रणवीर सिंह को जनता गली बॉय के रैपर से लेकर 83 में कपिल देव तक के किरदार में देख चुकी है और अपने रोल में उनका कमिटमेंट हर बार लोगों को दंग कर देता है। अब रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। रणवीर सिंह जल्द ही बड़े पर्दे पर भारत के सबसे पहले सुपरहीरो शक्तिमान के रोल में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, 90s में शक्तिमान को टीवी पर लेकर आने वाले मुकेश खन्ना ने इसी साल अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने आइकॉनिक किरदार को लेकर भारत की सबसे बड़ी सुपरहीरो फिल्म बनाने वाले हैं। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ये किरदार निभाने के लिए रणवीर सिंह को ऑफर दिया गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने रणवीर को फिल्म में शक्तिमान बनाने का ऑफर दिया है। रणवीर ने अभी ऑफर स्वीकार तो नहीं किया है, मगर वो इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सूत्रों ने बताया है रणवीर ने भारतीय सुपरहीरो शक्तिमान का रोल करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई है। मेकर्स को भी लगता है कि पहली बार 1997 में इंट्रोड्यूस हुए इस सुपरहीरो किरदार में रणवीर एक नेचुरल करिश्मा लेकर आ सकते हैं। एक्टर और उनकी टीम से बातचीत जारी है। इस साल फरवरी में ही सोनी पिक्चर्स ने एक टीजर वीडियो के साथ शक्तिमान पर फिल्म अनाउंस की थी। टीवी शो में शक्तिमान का रोल करने वाले मुकेश खन्ना की कंपनी भीष्म इंटरनेशनल भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अनाउंसमेंट में कहा गया था कि यह फिल्म एक ट्रायलॉजी यानी कि 3 पार्ट में होगी और इसमें देश का कोई लीडिंग सुपरस्टार शक्तिमान का रोल करेगा। टीजर में शक्तिमान के नए कॉस्ट्यूम की एक झलक भी दिखाई गई थी, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया था। अनाउंसमेंट में यह कहा गया था कि यह फिल्म एक ट्रायलॉजी यानी कि 3 पार्ट में होगी और इसमें देश का कोई लीडिंग स्टार शक्तिमान का रोल प्ले करेगा। टीजर में शक्तिमान के नए कॉस्ट्यूम की एक झलक भी दिखाई गई थी, जिसे फैंस ने बेहद पसंद भी किया था। रोहित शेट्टी के साथ रणवीर अपनी फिल्म सर्कस का शूट पूरा कर चुके हैं। वो अभी करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर काम कर रहे हैं। इसके बाद रणवीर सिम्बा 2 और डायरेक्टर शंकर की एक फिल्म करने वाले हैं, मगर इन दोनों ही फिल्मों का शूट हाल फिलहाल शुरू होने की उम्मीद तो नहीं है।